बैक टू माई चैनल। मैं हूँ रोज लेकर आई हूँ एक और रिएक्शन वीडियो, और आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ यूट्यूब का शेर कैरी मिनाती का नया वीडियो आ चुका है। आप लोगों ने देख लिया होगा और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं इस पे लेट रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों ने देख लिया मेरे बिकर अकेले अकेले। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इस वीडियो को साथ में वापस देखते हैं। कैरी मिनाती वैसे ही बहुत हंसाते हैं, सबकी बात लगाते हैं, तो साथ में देखते हैं इस बार किसकी लगी है, फिर इसके बारे में ऑब्वियसली बात करेंगे। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। तो कैसे हैं आप लोग? आगे बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, ये एक गधों की रेस है जिसमें सुअर दौड़ते हैं और इस रेस का संचालक है बिग बॉस सलमान भाई। बिग बॉस सलमान भाई, बिग बॉस सलमान भाई। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नादान परिंदों को पकड़ लिया गया है और उन्हें बोल दिया लो बैच। हाँ तो अगर होता होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता होगा रियल तो मुझे नहीं लगता है, नेक्स्ट रियल है तो विशाल को जाना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर सलमान फट के बोले, एक साथ 40 लोग बोल रहे हैं, इसे लड़ना नहीं ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जो लोग बिग बॉस को फॉलो करते हैं ना, मुझे नहीं पता तुम धरती के कौन से तत्व से बने हो, लेकिन एक बात पक्की, तुम साले अकेले ही मरोगे। खैर अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी पक्षोदी के। हमारे पहले प्रतियोगी हैं ये आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुझे ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुझे ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने मेरा घर दार छोड़ा, तेरे साथ किया मैंने जीरा सोडा, जैसे मटके में पानी बता थोड़ा थोड़ा, जा ऐसा दौड़ा आता पकड़ मजा लौड़ा। अरे वाह, इनका नाम है अबू मलिक। अबू मलिक, अबू मलिक, गेस करो ये किसके भाई हैं? अनु मलिक। अपने भाई की तरह इनका भी पैशन है संगीत की गांड मारना। फी 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 फिजिक्स फाइन, सा 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 सॉलिड बॉडी डिजाइन, है तू नंबर वन लड़का, चेहरे पे कैसी शाइन। फी 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 मतलब फिजिक। किस्मत का खा रहे बहनचोद, क्योंकि इन दोनों भाइयों को संगीत बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इन्हें मीवी के कॉलर ईयरफोन्स देना चाहूंगा। इनमें तुम पूरा दिन बैठ के एक गर्म की चाय प्याली हो, सुनो कोई दिक्कत नहीं है, दुब दुब करके कैड़ा बेस भी आता है। ये इतने हल्के तुम इसे लिटरली पूरा दिन टांग सकते हो, कभी कभार तो तुम भूल भी जाओगे कि पैन भी रखे थे। और अगर इन्हें तुम्हें छुपाना हो तो भैया कॉलर में छुपा लो, नहीं तभी तो नाम कॉलर है ना। अब अगर बीवी बच्चों से भी बात करनी है तो आवाज का बढ़िया आदान प्रदान है। अब आपको क्या लगता है ये कब तक के रहेंगे घर में? ये तो कुछ कह नहीं सकता, मगर आई कैन टेल यू वन थिंग, मैं लास्ट बार निकलूंगा। ये कॉन्फिडेंस, कुछ घंटा नहीं उखाड़ा इसने बिग बॉस में, 2 हफ्ते में बाहर हो लिया। और बहाने तो सुनो भाई साहब के, I did not connect with the girls because there was nothing so exciting about any of them. तो ये टीवी देखने की उम्र है, टीवी पे आने की नहीं, ठीक है यार, लेकिन शो उम्र देख के तो चुनो। बच्चन साहब भी तो कर रहे हैं ना करोड़पति, ऐसा कल को तो तुम स्प्लिट्सविला में चले जाओ, हमें क्वीन बनना, हमें क्वीन बनना। कौन बना रहा तुम्हें क्वीन? अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर 2 पे, माहिरा द स्पेशल चाइल्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुझे मुड़ के ना देखे, और वैसे भी पैसा तो हाथ की धूल होती है ना, मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पैशन के लिए काम करती हूँ। एक और लड़की जिसको लगता है वो स्पेशल है, ओ लोमड़ी सी थूत की, ये मेरे कौन है जिसने मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा? ये एटीट्यूड ना 2004 में मर गया था, तुम क्यों जिंदा हो? और इसका पैशन पता क्या है? वो कौन सी चीज है जो आपको बिग बॉस के घर की ओर खींच लाई है? फेम तो मिल जाता है, हैं? फेम तो मिल जाता है। बेटे कौन है तू? टिकटॉक में 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। अच्छा हाँ, फेम तो मिल ही जाता है, कोई कदर ही नहीं है ना। फिर ये कहते कि हमने स्ट्रगल किया, करण जौहर लौड़ा लस्सन। पैसे तो बहुत है मेरे पास, क्योंकि मैं रईस हूँ दिल से भी और वैसे भी। ओ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बता भी किसे रही है? सलमान भाई को। बेटी वो सामने खड़ा इंसान तुम्हारी 4 पुश्तें खरीद लेगा, दिल से भी और वैसे भी। तू फोन पे टिकटॉक बना रही होगी, भाई चुपके से आएंगे और अरे बाबा भाई सलाम अलैकुम। सुना है कि आपने गुस्से में कुछ चीजें तोड़ी फोड़ी भी हैं। हाँ, आप भी जानते हैं कि जब गुस्सा आता है तो उस पे काबू तो रहता नहीं है, कभी कभी मेरे गुस्से पे तो फुल काबू है। भाई
भाई मेरा योडा ले गए। ये इंसान नहीं इंसेन है, बावड़ी तो ऐसे हो रही है जैसे कोर्ट ने गलत फैसला सुना दिया। अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर 3 पे, बी बॉय पारस, क्योंकि इस देश का हर पारस बी बॉय करता है। ये तो काफी हैंडसम हो। नहीं देखो यार, इन चीजों पे मजाक उड़ाना गलत बात है, ऐसे तुम किसी के सर से छत नहीं खींच सकते। गंजा 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 गंजा। खैर ये छोड़ो, भाई की बातें सुनो। मेरा सुनने में आया था कि एक पप्पी से 800 कैलोरीज बर्न होती है। ओ चाचा चौधरी के चौथे चौधे, एक झापड़ में कितनी कैलोरीज बर्न होती है? कम से कम 8000। खा के देख ले, क्या पता तेरे बाल भी आ जाए। ओके ठीक है, ये लास्ट था बस। वैसे इस साल ना गजब हो गया, सारे परिंदे एक दूसरे के प्यार में है। बी बॉय पारस की GF बनी है माहिरा द स्पेशल चाइल्ड। लेकिन घर किसका है? बिग बॉस का है। तो लड़ो भाई। तेरे से पहली बार होगा। तेरा पहली बार मुझे लेना देना नहीं है, मैं भी कैमरे पे हूँ और भी लोग मुझे देख रहे हैं। मैं तेरा लूंगा, मैं तेरा लूंगा। क्या कहना चाहते हो बे? मेरे मुंह मत लग, तूने बात बोल दी ना शो के बाद, क्या तू मुझसे बात नहीं करेगी? मैं तेरे से अभी से बात नहीं कर रहा, जा। ओहो, रिश्ते में दरार, अच्छी लंड मेरा। जब दूसरों से नहीं लड़ रहे होते तो एक दूसरे से लड़ते हैं, और फिर पारस भाई साहब एक जादू की झप्पी देते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। हैप्पी एंडिंग। तू करता वही है जो तुझे करना होता है। ठीक है ओके, मैं 2 मिनट किसी के साथ। अब जब बी बॉय पारस अपनी GF से नहीं लड़ रहे होते, वह एक और परिंदे से लड़ते हैं। ये लौंडा घर से कपड़े ही नहीं लेके आया, जब देखो नंगा पुंगा घूमता रहे। दोपहर 2:45, रात 10:30। इसने अपने आंट छोड़ के बाकी सब दिखा रखा है। नहीं मुझे समझ में आती है, तुम सेक्सी कूल डूट बनना चाह रहे हो, लेकिन लल्ला तुम लड़कियों से ज्यादा 50 साल के बुड्ढे एक्साइट कर रहे हो। तुम क्या हंस रहे हो बे टिकटॉक? तुम्हारा भी यही सीन है। अब पता नहीं स्कूल डूट के कौन से तारे टकरा गए, श्री जॉन फिलिप्स एंथनी सीना जूनियर, यू कांट सी मी वाला, उसने अपने इंस्टाग्राम पे क्या डाला? अनहोनी को होनी करते होनी को अनहोनी। जॉन सीना बिग बॉस देखता है? कल्लू कुमार की उना कोटी में ये क्या डेवलपमेंट है? ऐसे तो जॉनी सिंस मेरी वीडियोस देखता होगा। ये 65 साल का होकर लॉन्डियों को बेबी डॉल पर नचवा रहा है, और यहाँ देखो पूरी पूरी दाढ़ी आ गई है, तब भी मैदान दूर दूर तक साफ है। मजा आ गया रे, मेरे को एक एक चीज समझ में आ रहा था। खैर अब चलते हैं बी बॉय पारस और स्कूल डूट की लड़ाई पे। 4 दिन के नंबर दिए हैं, सो डोंट गिव मी दिस शिट ब्रो। तेरे बाप की डिब्बी नहीं है, तेरे बाप की डिब्बी नहीं है भाई। तेरा बाप दिस है बिग बॉस को। दिन में सूरज निकला नहीं, रात में चांद आया नहीं, कुथाई करवा लो। जो लोग बिग बॉस देखते हैं तुम्हें पता है तुम लोग क्या करते हो? ये परिंदे लड़ते हैं और फिर उस लड़ाई को डिस्कस करते हैं, और फिर तुम उनकी लड़ाई और डिस्कशन दोनों को देखते हो, और फिर उसे दोबारा डिस्कस करते हो। मैं ना एक बाल्टी का आयोजन कर रहा हूँ, सब एक एक करके डूबेंगे। और जो परिंदे बिग बॉस के पहले सीजन में रह चुके, पता नहीं वो अपने विचार क्यों देते रहते हैं। तुम्हारा हो लिया ना, रुक जाओ यार। अब नहीं आप ये सब डर उसको मत दीजिए, और पराग मेरे भाई उस पूरी पिक्चर को साइन कर ले। क्या कर रहा था तू यार, चिल मैन। श्री एजाज खान ये बात अपने अतीत को कह रहे हैं। यहाँ से लौड़ा फेंक के मारूंगा ना। क्या कर रहा था तू यार, चिल मैन। अब जब बी बॉय पारस नाम का जानवर शांत होता है, तब हमारे कूल डूट एक और परिंदे से लड़ते हैं। आई टेक यू टू द कैंडी शॉप, आई लेट यू लिक द लॉलीपॉप, गो अहेड गर्ल डोंट यू स्टॉप। ये है सिद्धार्थ शुक्ला और शुक्ला जी, ये व्यक्ति हिला हुआ है, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया। पहले के एपिसोड में मुझे लगा कि एक साधारण गंजेड़ी है,
कैसा भी होगा, ऐसा कुछ नहीं, जला होगा थोड़ा, पर ठीक है, पर खाना बन जाता है, घर खाना बन जाता है। लेकिन भाई ने फिर जो तबाही मचाई है, आप वही कर रहे हो, आप लड़कियों पर आप वही कर रहे हो, कर रहे हो, आप लड़कियों पर आप कर रहे हो। पहली बार देख रहा हूँ एक सांड कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहा है। शुक्ला जी आप गलत शो पे आ गए हो, रोडीज का सेट एक गली छोड़ के है, देखना छोटा सा गेट होगा उस पे दो बड़े बड़े टट्टे बने होंगे, वहाँ चले जाओ। ऐसे भैरन इंसान को किसने खुला छोड़ रखा है। खैर एक इंसान है जिसकी तरफ शुक्ला जी थोड़ा नरम है, ये है कुड़ी पंजाब, पंजाब दी कुड़ी बुल बुल बुले शहनाज गिल। इसकी बिग बॉस की जर्नी कुछ ऐसी रही है। ये है शुक्ला जी की जी एफ, मतलब है भी नहीं भी है, एज अ फ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है मेरा तेरे से, एज अ बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है, पता नहीं कुछ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं बीमारी है वो भी छुआ छूत की। टूट गए घुंगरू? नहीं, बड़े मजे आ रहे थे ना, चुम्मा चाटी चल रही है, कडलिंग चल रही है, और फिर रात को चादर के नीचे हाथ पकड़ना। लेकिन घर किसका, बिग बॉस का, तो लड़ो बहन। Can I just get out of my life now? Just get out. क्या हुआ? Just मैं नॉर्मली बात करूँ? मेरे को नहीं करनी है तुमसे बात। एक मिनट रुक। ठीक है? मेरे को बात नहीं करनी है। क्यों? क्यों? क्योंकि गंद हो तुम। फिर से दिल में दरार? इनका भी वही सीन। उसी रात को अब चलते हैं द बिगेस्ट एंड द बॉगेस्ट फाइट पर, शुक्ला जी वर्सेस कूल डूड। पहले ये दोनों ही शांत बैठते थे, लेकिन फिर घर किसका, बिग बॉस का, तो कैंसर की तरह इनकी लड़ाई की भी चार स्टेजेस हैं। पहली स्टेज, मेरे को धक्का मत मारना, धक्का मत मारना, मेरे को धक्का मत मारना, मेरे को समझना, धक्का मत मारना। ये जन्म सिद्ध चूतिए सेब और संतरों पे लड़ रहे हैं, और बाकी को देखो कैसे भागते हुए गए। तुम्हें क्या लगा इन्हें लड़ाई रुकवानी है? ना 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 ना, इन्हें देखा कि दो गोटे अकेले फुटेज खा रहे हैं। कैमरा 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 कैमरा। अब चलते हैं दूसरी स्टेज पे, इसमें दो कॉन्डम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। नसीब में फटा नहीं, अरे फटा ना, तीसरी स्टेज खतरनाक है, क्योंकि ये जात पात औकात सब पे चले जाते हैं। तूने क्या कर लिया लाइफ में? तूने क्या कर लिया लाइफ में? क्या किया लाइफ में? शुक्ला जी इतनी मरवा के चुप तो बैठेंगे नहीं, वो सीधे चौथी स्टेज पे चले गए। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। Did you call him? Who did you call him? Who did you call? Who did you call? सिद्धार्थ और आसिर, हाथा पाई की नौबत नहीं आई। मेरा माता नहीं जा, जो माता मेरे पापे नहीं जा, जो माता मेरे पापे नहीं जा, जो माता। अब मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे, कैरी तू किसको सपोर्ट कर रहे हैं बिग बॉस में? देखो तुम्हारा सवाल गलत है, तुम्हारा सवाल होना चाहिए कैरी क्या तुझे इससे फर्क पड़ता है? नहीं। क्योंकि इन्हें लगता है वोटिंग इस चीज की हो रही है कि सबसे बढ़िया कौन है, लेकिन असल में वोटिंग इस चीज के लिए हो रही है कि सबसे चूतिया कौन है, क्योंकि बिग बॉस में तुम्हें सबसे ज्यादा फुटेज खाने के लिए चूतिया हरकतें ही करनी पड़ेंगी। अबे मैं तो कहता हूँ डरो, बिग बॉस जीतने से डरो। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, यार देखो मारना ही पड़ेगा, सलमान भाई ने बोला है जब तक 2 मिलियन लाइक्स नहीं हो जाते तब तक वो मेरा योटा वापस नहीं करेंगे, तो मारना ही पड़ेगा यार। और गाइस मीवी की लव सेल चल रही है, तो तुम्हें ये कॉलर ईयरफोन 1299 के मिल जाएंगे, और भी बाकी प्रोडक्ट पे तगड़ी डीलें चल रही है, तो फटाफट mevi.in पे जाओ और अपनी रातें रंगीन बनाओ। हमारे 10 मिलियन भी होने वाले हैं, तो वो जो लाल वाला बटन है उसे झटका दो या धक्का, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ यार, इतनी कायका सुनने के बाद ना मुझे ASMR की दुनिया में जाना पड़ेगा। बाय। मोहित वैलेंटाइन का क्या प्लान? हिल्ले उलारी
आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुँह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुँह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने मेरा घर दार छोड़ा, तेरे के साथ किया मैंने जीरा सोडा, जिसे मटके में पानी बता थोड़ा थोड़ा, जा ऐसा थोड़ा आता पकड़ मत लौड़ा, मेरे प्यारे दिल को तूने दगा दिया। मतलब बिग बॉस की इतनी वॉट लगाई और मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि मैं भी बिग बॉस देखती हूँ। इट्स ओके, बिग बॉस देखना मुझे अच्छा लगता है और मुझे कैरी मिनाती की भी फैन हूँ, तो इन्होंने बहुत अच्छा से रोस्ट किया बिग बॉस को और एक एक चीजों को इतना फनी वे में बताया है। सो उनका डॉल सलमान खान ले गए, वापस नहीं करेंगे, तो आप जाकर उनके चैनल सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, सलमान खान कुछ लेकर नहीं गए, लेकिन क्या पता मैं फेमस हो जाऊँ तो सलमान खान नोटिस कर ले, बिग बॉस में ही बुला ले। चलो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो मुझे, मेरा चैनल ग्रो कर रहा है अभी और वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसके लिए जाइए जल्दी से मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर जल्दी से यहाँ से निकल लीजिए और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।